नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके वाई दीवान सर पे मैं स्वागत करता हूँ। तो देखिए, आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं हरियाणा की नदियों से संबंधित ओरिजिनल डाटा। आपने पिछले एग्जाम में देखा होगा कि नदियों की लंबाई एग्जामिनर पूछने लग गया है, इसके अलावा मूल स्थान और इनकी सहायक नदियाँ और बांध वगैरह। तो ये जो डाटा मैं करवा रहा हूँ ये ओरिजिनल डाटा है, इसका लास्ट में आपको मैं सबूत भी दिखाऊंगा कि कहाँ से लिया गया है। तो चलते हैं आज के अपने क्लास पर, स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले नदी का नाम लिखा हुआ है, कौन सी नदी? गग्गर नदी। मैं यहाँ कलर चेंज कर लेता हूँ, एक मिनट भाई। आपके सामने सबसे पहले नदी का नाम लिखा हुआ है गग्गर नदी, ठीक है जी। तो गग्गर नदी जैसे आप देख रहे हो, इसकी कुल लंबाई है वो 250 किलोमीटर है। कितनी है? 250 किलोमीटर। ये हरियाणा हरियाणा की है भाई, ठीक है। इसका जो मूल स्थान है, मतलब जहाँ से निकलती है, वो शिवालिक जो हिल्स है हिमाचल प्रदेश, वहाँ से निकलती है। स्थान रहेगा इसका प्रॉपर डागसही। कौन सा स्थान रहेगा? डागसही। तो ये रहा आपके सामने प्रॉपर स्थान, डागसही, ठीक है। अच्छा, इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो जैसे कि मारकंडा है, सरस्वती है और कौशल्या है। ये नदियाँ हैं इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ। कौन कौन सी याद रहे? मारकंडा, सरस्वती, कौशल्या। और इस पर एक बांध है ओटू बिराज, ठीक है। ओटू बिराज जो कहाँ रहेगा? सिरसा में रहेगा। इतनी चीज़ें आपको याद करनी है, किस नदी के बारे में? गग्गर के बारे में। और भी मैप में आपको गग्गर के बारे में मैं अच्छे से डिटेल से कराऊंगा। अगली है कौशल्या नदी। लंबाई कितनी है? 20 किलोमीटर। और कहाँ से निकलती है? शिवालिक हिल से। कोई सूचना नहीं है इसके बारे में, सहायक नदियों के बारे में। कौशल्या डैम है। तो ये कौशल्या नदी है कहाँ पर? हरियाणा में। कहाँ प्रवेश करती है? पंचकूला में, जैसे गग्गर कालका में कर रही थी उसी टाइप से। और ये जो कौशल्या डैम है कहाँ पे? कौशल्या डैम रहेगा जी पंचकूला में। उसके बाद आपके सामने नदी है मारकंडा। मारकंडा की नदी की लंबाई कितनी है? 90 किलोमीटर। और मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है? शिवालिक हिल से। मैं पूरा आपको मैप बना के दिखाऊंगा इसका। सहायक नदी कौन सी है? बेगना है, रण भी है और नकाती भी, आगे आएगा इसके बारे में डिटेल से। इसके ऊपर बांध कौन सा है? कुरुक्षेत्र में बांध है। नाम क्या है? जल बेहरा बांध। कौन सा है जी? जल बेहरा बांध। एग्जाम में आ जाए जल बेहरा बांध कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। किस नदी पर? मारकंडा नदी पर। टांगरी लंबाई कितनी है? 90 किलोमीटर। कहाँ से निकलती है? शिवालिक हिल से। यानी शिवालिक हिल से, कहने का मतलब एकदम पंचकूला और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे, एकदम वहाँ से निकलती है। कई मौसमी धाराएं इसमें मिलती हैं, बात करेंगे आगे कौन कौन सी मिलती है। बांध कोई नहीं है इस पर। अगला क्वेश्चन है, अगला अपने पाँच नंबर पे सरस्वती नदी कहाँ से निकलती है? शिवालिक हिल से, हिमाचल प्रदेश से, बिल्कुल हरियाणा के एकदम बॉर्डर के ऊपर से, यानी यमुना नगर है उसके जस्ट ऊपर से। कई मौसमी धाराएं इसमें मिलती हैं। उसके बाद में चोटांग, ये चोटांग है वो शिवालिक हिल से निकलती है। कई मौसमी धाराएं हैं और इसकी कोई उसके ऊपर बांध की सूचना नहीं है। तो ये रहा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो जी, बिल्कुल। पीडीएफ के लिए मेरे टेलीग्राम लिंक पे जा सकते हो, वहाँ इसकी पीडीएफ डालूंगा। टेलीग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। क्लास अच्छी लग रही है, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो पुराने हैं वो क्लास को शेयर और लाइक वगैरह का ध्यान रखें। आगे चलें, आगे मैं बात कर लूँ। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है दोहन नदी। कौन सी नदी लिखा हुआ है? दोहन। दोहन की बात करूँ, लंबाई कितनी है? 50 किलोमीटर। अरावली हिल्स रेंज से निकलती है, नीचे अरावली है वहाँ से। मौसमी धाराएँ कोई इसमें, मतलब बहुत सारी मौसमी धाराएँ इसमें मिलती है। और इस पर बांध है एक, वो कौन सा है? हमीदपुर डैम। कौन सा बांध है इस पर? हमीदपुर डैम इस पर बांध हो जाएगा। अगली नदी है कृष्णावती नदी। इसकी लंबाई कितनी है? 30 किलोमीटर। इसे ना कसुंती नदी भी कहा जाता है। अरावली हिल्स रेंज राजस्थान से निकलती है और इसमें रितु अरावली धाराएं, बहुत सारी जो अरावली से धाराएं निकलती है वो मिलती है, ये ध्यान में रहे। और इस पर बांध है राजस्थान में एक, अपने बात करें नौराणा डैम। कौन सा है? नौराणा डैम राजस्थान में, कृष्णावती नदी पे है, ठीक है जी। इसकी लंबाई है, हरियाणा हरियाणा की लिखा रहा हूँ भाई मैं। यमुना,
इसकी लंबाई हरियाणा में 350 किलोमीटर। अब मैं अधिकतर 320 किलोमीटर बाउंड्री के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन इसकी कुल लेंथ अगर हरियाणा में बात करें तो 350 किलोमीटर रहेगी भाई, याद रहे 350 किलोमीटर। अच्छा, कहाँ से निकलती है ये? बंदरपूंछ ग्लेशियर उत्तराखंड से, ठीक है भाई, यानी यमुनोत्री के पास ही बंदरपूंछ ग्लेशियर है वहाँ से। इसकी सहायक नदी है सोम, थापना, साहिबी, और इस पे बांध है अथनीकुंड बैराज। ये अथनीकुंड बैराज कहाँ रहेगा? अथनीकुंड बैराज यमुनानगर में रहेगा। उसके बाद में अगली नदी आती है सोम नदी। सोम नदी है, इसकी लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है? 40 किलोमीटर। और ये निकलती कहाँ से है? शिवालिक हिल्स यमुनानगर से। और इसकी जो सहायक नदी है वो कौन सी है? तो भी इसकी सहायक नदी पथराला है, ठीक है। और इस पे दादूपुर बैराज है। ये दादूपुर बैराज यमुनानगर में है। कहाँ रहेगा? यमुनानगर में है दादूपुर बैराज। और ये नदी भी यमुनानगर के बारे में ही ज़्यादा तथ्य रखती है, यमुनानगर में ही बहती है। उसके बाद में अगला है, अपने बात करें थापना रिवर। नदी का नाम क्या है? थापना। ये शिवालिक तराई से निकलती है, तराई मतलब शिवालिक के नीचे वाले भाग से निकलती है, और इसके बारे में कोई खास जानकारी प्राप्त नहीं है। साहिबी, ये अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। इसकी सहायक नदी है सोता और कोटकासिम और इंदौरी। ये तीन इसकी सहायक नदियां हैं जो आपको याद करनी है। इस पे एक बांध है मसानी बांध। बांध का नाम क्या है? मसानी। और ये मसानी बांध है कहाँ पे? रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में है। मसानी बांध कहाँ रहेगा? रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में रहेगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लिया जाए या टेलीग्राम पे जाके पीडीएफ डाउनलोड की जाए। इनके बारे में देखो, दो तीन बार इनको आप मैप में बना के देखोगे ना, मैं आपको मैप में बना के दिखाऊंगा सारी नदियाँ लास्ट में, तो आपको याद हो जाएगी ये सभी नदियाँ, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब देख सकते हो आगे आप, ये मारकंडा के बारे में कथन है। इसमें कटासन देवी मंदिर के पास सिरमौर जिला हिमाचल प्रदेश है वहाँ से निकलती है, ठीक है, इतनी बात यहाँ याद करनी है। और ये घग्गर में मिलती है। कहाँ मिलती है? घग्गर में, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रहे। इसकी लंबाई कितनी है? 90 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो इसका उद्गम हो गया और ये मिलन स्थल हो गया और लंबाई हो गई। आगे चलते हैं इसके बाद में मारकंडा नदी का, जो इसके बारे में और कथन है। इसमें बाईं ओर से नदी मिलती है बेगना नदी, रण नदी और नकाती नदी। ये मारकंडा की तीन सहायक नदियाँ हैं। स्टार्टिंग में बेगना ही लिखा मिला था, यहाँ रण और नकाती दो और भी ऐड कर लेना। जल निकाय, इसमें कुरुक्षेत्र में अपने जल बहरा नामक बैराज है, यानी एक बांध है वो रहेगा। अच्छा, और इसके अंदर एक पुल बना हुआ है, मारकंडा ब्रिज, ठीक है, ये तो आप याद करो तो ठीक है, वरना ऊपर वाले दो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं। आगे चलते हैं हमें, अगला देखिए, घग्गर नदी के बारे में बता रखा है कि कौशल्या, मारकंडा, टांगरी, सरस्वती, चोटांग, ठीक है भी, और सरस्वती, दो बार आ गया सरस्वती, एक बार ये मिस्टेक में लिखा हुआ यहाँ पे, या ये सरस्वती है और ये सरस्वती है, ये इस तरह रहेगा फिर। तो ये नदियाँ हैं, ये घग्गर की सहायक नदियाँ हैं, ये नदियाँ हैं, ये घग्गर की सहायक नदियाँ हैं, याद रहे, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ तो इन्होंने सरस्वती और सरस्वती, ये ओरिजिनल जो अपने बात करें ना, इनकी वहाँ से ली गई है। हो सकता है इंग्लिश में हिंदी में कन्वर्ट करते टाइम इसकी दिक्कत हो गई हो, तो आप एक सरस्वती हो जाएगा, चोटांग हो गया, टांगरी हो गया, मारकंडा हो गया, कौशल्या, ये नदियाँ हैं घग्गर की सहायक। अत्यधिक जलग्रहण के कारण घग्गर नदी का जो मुख्य भाग है वो आजकल बात करें अपने प्रदूषित घोषित कर दिया गया है। ये 2016 की रिपोर्ट है, इसमें लगभग अपने बात करें ये एरिया था, ये 250 किलोमीटर लंबाई में घग्गर का जो रंग है वो लाल रंग घोषित किया गया, और घग्गर के समीप है ना 500 मीटर वाले एरिए को प्रदूषित घोषित किया गया। ये चीज़ें घग्गर के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। नीचे यमुना है, यमुना की सहायक नदियाँ हैं सोम, थापना और साहिबी। ये तीनों किसकी सहायक नदियाँ हैं? तीनों यमुना की सहायक नदियाँ हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये वाला भी, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके बारे में आपको वहाँ पे मैप में बना के दिखाऊंगा पूरा। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ इंपॉर्टेंट निकल के आता है कि सोम नदी भी एक एक बरसाती नदी है। सोम नदी क्या एक बरसाती नदी है? केवल थापना रिवर है वो बारामासी, राज्य में बारामासी नदी है। देखो, वैसे तो यमुना भी बारामासी नदी है,
लेकिन क्या है कि हम पूर्ण रूप से बारहमासी नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि इसमें बाढ़ आएगी, बारिश आएगी, तभी पानी आता है, वरना लगभग थोड़ा बहुत बहता रहता है, ज़्यादा नहीं होता, कई बार सूख भी जाती है। लेकिन कहा जाता है कि थापना रिवर है ना, वो हरियाणा की बारहमासी नदी है। इसके बारे में पढ़ेंगे हम आगे, यमुनानगर में ही है ये। अब आ जाती है अपने गग्गर नदी के बारे में। ये कौन सी रिवर है? गग्गर निकली कहाँ से? अपने पंचकुला से के ऊपर, हिमाचल प्रदेश से, यहाँ से डाक से इसे निकली, पंचकुला में आई, उसके बाद देखिए चली गई ये यहाँ पर है, ये आप देख रहे होंगे इतनी स्थान है, ये पंजाब है, पंजाब में, फिर अम्बाड़ा में आ गई, फिर दोबारा से पुनः ये पंजाब में गई, फिर केथल में आ गई, केथल के बाद फिर ये पंजाब में गई, यानी जींद कट हो गया और कुरुक्षेत्र कट हो गया, दो में नहीं बहती है। उसके बाद फतेहाबाद में एंट्री की, फिर पंजाब में दोबारा एंट्री की, फिर सिरसा से होती हुई ये राजस्थान में चली गई। लंबाई कितनी रहेगी इसकी? तो लंबाई आपको याद कर लेनी है, इसकी लंबाई 250 किलोमीटर। कितनी है हरियाणा में इसकी लंबाई? 250 किलोमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य रहेगा। और बांध के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि इस पे जो बांध रहेगा सिरसा में ओटू हेड, ओटू बिराज नाम से, और एक बांध यहाँ पे कृष्णा डैम भी बना हुआ है इस पंजाब में, ये बात करें कुरुक्षेत्र के लिए बना हुआ है। तो ये घग्गर नदी के बारे में तथ्य रहेंगे जो आपको याद करने हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे आ गई अपनी यमुना। यमुना देखिए यमुनानगर में आई, ये यमुनानगर है, इधर यूपी है साइड में। उसके बाद में करनाल हो गया, पानीपत हो गया, सोनीपत हो गया, दिल्ली, इधर फरीदाबाद, और देखो ये पलवल तक निकलती है। पलवल का ये लास्ट बिंदु यहाँ रहेगा, ठीक है, जिसे हसनपुर कहते हैं, किस नाम से जाना जाता है? हसनपुर। तो हसनपुर लास्ट स्थान है इसका, याद रहे। यहाँ से ये चली जाती है यूपी में, और यूपी में ये इलाहाबाद के समीप जाकर किस में मिल जाती है? तो ये गंगा में मिल जाती है। इसमें आप देख सकते हो सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। जैसे बाईं ओर से अगर बात करें तो टोंस नदी, हिंडन नदी, शारदा और कुंता और गिरी और ऋषि गंगा, ये नदियाँ हैं बाईं ओर से मिलती है। दाईं ओर से चंबल, ठीक है, दाईं ओर से चंबल, बेतवा, केन और सिंध, ये नदियाँ हैं, ये दाईं ओर से ऊपर वाली बाईं ओर से मिलती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और है ना, इसके किनारे शहर हैं दिल्ली, मथुरा, आगरा, इटावा, कालपी और प्रयागराज, ये इसके किनारे शहर है। तो स्क्रीनशॉट लिया जाए, आगे चलें। जी बिल्कुल, लंबाई कितनी है? लंबाई इसकी टोटल 350 किलोमीटर है। सीमा कितनी बनाती है? सीमा 320 किलोमीटर एग्जाम में आ जाए तो आंसर करके आना है, ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा फर्क है जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है जी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले इसमें बात करें हम तो साहिबी के बारे में आ जाता है। साहिबी की नदी सहायक नदी है सोता नदी, और इसके अलावा कोट कासिम नाला है, इंदौरी है, ये तीनों साहिबी की सहायक नदियाँ हैं। बस इतना ध्यान में रखना, साहिबी का उद्गम है वो आपको मैं लिख बता देता हूँ। साहिबी का उद्गम जो राजस्थान में बात करें हम बहरोड पहाड़ी से होता है। जयपुर के पास एक पहाड़ी है बहरोड पहाड़ी, जयपुर के समीप राजस्थान से, और इसका हरियाणा में रेवाड़ी में एंट्री होती है, उसके बाद गुरुग्राम में जाकर ये दो भागों में फैल जाती है। और साहिबी खुद है ना, एक तो नजफगढ़ के नाले के नाम से जानी जाती है, दूसरी बात करें साहिबी नदी है ना, वो बात करें यमुना में भी मिल जाती है, एक धारा इधर हमें बात करें गुरुग्राम की तरफ बहती है, इस तरह रहेगा। उसके बाद कृष्णावती, ये भी है ना बहरोड पहाड़ी के समीप से ही निकलती है, याद रहे, राजस्थान से। सेम इसी तरह से ये भी एंट्री करती है रेवाड़ी में, ठीक है, इस तरह से याद रहे यहाँ पे कृष्णावती के बारे में जो तथ्य है। और हाँ, एक बात और, साहिबी नदी के ऊपर हम बात कर ले तो रेवाड़ी में जो डैम बना हुआ है जिसका मैं पहले भी आपसे जिक्र किया था, ठीक है, मसानी डैम, कौन सा मसानी डैम, मसानी बांध है, वो किस नदी पे है? तो वो साहिबी नदी पे है, कहाँ पे? रेवाड़ी में। तो क्लास आपके लिए फ़ायदेमंद है तो लाइक शेयर बनता है, नीचे एक लाइन और लिखी हुई है, इस पर भी ध्यान दें भाई। आगे चलें, अगला मैं बात कर लूँ तो टांगरी नदी। ये टांगरी नदी के बारे में एक कथन रहा हुआ था। टांगरी नदी मारकंडा की एक सहायक नदी है जो कि अम्बाड़ा में मुलाना नामक स्थान पर मिल जाती है। तो चलो इसके बारे में तो मैप में मिलाऊंगा मैं भी, हिमाचल प्रदेश ये इसका उद्गम स्थान रहेगा, ये लंबाई रहेगी और
ये आपको इतना ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद इसकी जो सहायक नदियां हैं, याद रहे बलियाली नदी, आमरी नदी और इसके अलावा दादरी नदी। दादरी को ही शहजादपुर वाली नदी कहा जाता है, ठीक है। ये तीन नदियां हैं, बलियाली, आमरी और शहजादपुर, जिसे दादरी नदी कहते हैं। ये किस में मिलती है? ये सब टांगरी में मिलती है दोस्तों, याद रहे। आगे चलें, अगले क्वेश्चन पर अपने मैप आ चुका है, मैप में आपको मैं भर के दिखा देता हूँ। जैसे ऊपर वाले में तो आपको यमुना में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो आपके सामने यमुना है जो सीमा बनाती बनाती इस टाइप से यहाँ से पलवल से गुजरेगी, ठीक है। इसके अलावा इधर बात कर लूँ मैं, घग्गर, तो घग्गर पंचकुला में, उसके बाद पंजाब में, फिर अम्बाड़ा में आ गई, ठीक है। ये लीजिए, अम्बाड़ा से बाद में आगे बात करूँ तो पंजाब के थल, उसके बाद पंजाब और फिर फतेहाबाद, फिर पंजाब, फिर सिरसा से होती हुई इस टाइप से निकल जाती है, ऐसे ही निकलती है सेम। तो ये हो जाएगी घग्गर। इसके अलावा मारकंडा की बात करें तो मारकंडा है वो यहाँ से हिमाचल प्रदेश से निकलती है और अम्बाड़ा में प्रवेश करती है। अम्बाड़ा में प्रवेश करने के बाद ये आगे कुरुक्षेत्र से होती हुई और पंजाब में जाकर किस में मिल जाती है? पंजाब में जाकर ये मिल जाती है अपने घग्गर में। इधर से बात करें इसके ऊपर से, बिल्कुल इस बाउंड्री से, यानी हिमाचल प्रदेश और हरियाणा की बाउंड्री, अपने पंचकुला और हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री से, यहाँ से एक नदी निकलती है टांगरी, और वो अम्बाड़ा में आकर यहाँ एक स्थान रहेगा मुलाणा, ये मुलाणा के समीप आकर मिल जाती है। तो ये टांगरी के बारे में हो गया, ठीक है जी। हमें नीचे वाले पोर्शन के बारे में ज्ञात करवा दीजिए, तो नीचे वाले के बारे में बता देता हूँ आपको, थोड़ा मैप को जूम करके ताकि अच्छे से समझ में आए। तो ये लीजिए आपके सामने, यहाँ बना लेते हैं। तो ये साहिबी, ये यहाँ मान लेते हैं जयपुर है, यहाँ पे जयपुर के पास बहरोड़ पहाड़ी है, यहाँ से एक नदी निकली साहिबी, इस तरह से रेवाड़ी में प्रवेश किया, उसके बाद गुरुग्राम में प्रवेश किया, इसकी दो धाराएँ बन गई, एक इस साइड चली गई और एक यमुना में जाकर मिल गई। ये चीज़ तो रहेगी इसकी, ठीक है। किसके बारे में है? साहिबी के बारे में है। अच्छा, एक इंदौरी नदी है जो मेवात की पहाड़ी, इंदौरी नामक स्थान से, इंदौर नामक स्थान से निकलती है। ये यहाँ से निकलने के बाद इस तरह आके ये राजस्थान में आके इसी में मिल जाती है। किस में मिल जाती है? ये अपने साहिबी में मिल जाती है। ये कौन सी नदी है? इंदौरी नदी है। यहाँ नाम लिख दूँ, इंदौरी, ये रहेगी आपके सामने इंदौरी। ये नदी कौन सी थी? ये नदी साहिबी थी, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा इंदौरी साहिबी दोनों हो गया। उसके बाद में आगे आपको दोहन के बारे में बताता हूँ। यहाँ दोहन नदी है, महेंद्रगढ़ से दोहन नदी, यहाँ से दोहन नदी है, ये डोसी की पहाड़ी है, यहाँ से निकल कर इस टाइप से अलवर होती हुई और ये पहुँच जाती है कहाँ पे? रेवाड़ी में। और रेवाड़ी में पहुँचने के बाद आगे जाकर ये मिल जाती है किस में? तो ये साहिबी में मिल जाती है। इसका पूर्ण रूप से कहीं नहीं दिया हुआ कि ये रेवाड़ी में मिलती है, गुरुग्राम में मिलती है। तो आप इतना याद रखना कि दोहन नदी है, दोहन नदी, ये भृगु ऋषि की पत्नी की आंखों से निकली हुई नदी माना जाता है। और ये जो नदी निकलती है वो नदी, बात करें डोसी की पहाड़ी महेंद्रगढ़ से निकलती है और ये आगे जाके साहिबी में मिलती है। अच्छा, इस तरह ही कृष्णावती नदी के बारे में ध्यान में रखना। कृष्णावती नदी वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है, ये नदी भी कहा जाता है यहाँ से निकल कर इस टाइप से जज्जर की तरफ बहती थी, ठीक है। तो इस टाइप में थी ये नदियाँ, दोहन अब की है, दोहन से पहले एक नदी थी तो यहाँ से बहती थी, इस टाइप में आपको ध्यान में रखना है। वर्तमान में ये विलुप्त हो चुकी है। अच्छा, अब आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये डाटा कहाँ से करवाया जा रहा है। तो ये डाटा के बारे में बता देता हूँ, ये देख सकते हो आप, स्टेट ऑफ इंडिया रिवर्स यहाँ से लिया गया है, इंडिया रिवर्स वीक 2016, ये डाटा है हरियाणा के बारे में। इसकी पूरी पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको पूरी पीडीएफ अवेलेबल करवा सकता हूँ। अच्छा, इसके जो लेखक हैं भीम सिंह रावत रहेंगे। और इसके अलावा बात कर ले मैं तो यहाँ देख सकते हो, आपको मैं थोड़ा जूम करके एक दो नज़ारा और दिखाता हूँ। यहाँ आइए जी, बिल्कुल आ गए सभी। अब देखिए, घग्गर नदी आपके सामने लिखा हुआ है, टोटल लंबाई लिखी हुई है, हिमाचल प्रदेश में कितनी है, हरियाणा में कितनी है, 250 किलोमीटर, और राजस्थान में कितनी है, 100 किलोमीटर। इसी तरह से आगे कौशल्या रिवर के बारे में लिखा हुआ है, हरियाणा में 20, हिमाचल में 10, टोटल 30, ठीक है जी। इसी तरह से
और नदियों के बारे में भी यहाँ विस्तार से जानकारी दी गई है। मारकंडा टोटल 120, हिमाचल प्रदेश 30, हरियाणा 90, उसके बाद टांगरी 90 टोटल, जिनमें से 17 हरियाणा 20 हिमाचल प्रदेश। चौटांग के बारे में कोई खास वर्णन नहीं मिलता। उसके बाद में कुछ नदियों की लंबाई और है, वो और आपको मैं अवगत करवा देता हूँ। जैसे बात कर लें, अपने बात करें कृष्णावती, जिसे कसुमती नदी भी कहते हैं, 90 किलोमीटर, 60 किलोमीटर राजस्थान, 30 किलोमीटर हरियाणा। उसके बाद में आगे बात करें तो यमुना के बारे में लिखा हुआ है, और इसके साथ यमुना की लंबाई 376 किलोमीटर, हरियाणा में कितनी है 350। उसके बाद सोम नदी है, सोम नदी की 150 किलोमीटर लंबाई है, जिसमें से हिमाचल प्रदेश में 10 है, हरियाणा में कितनी है, हरियाणा में ये टोटल बात करें 40 है। आप कहोगे सोम नदी भी हरियाणा में है, ये देख सकते हो आदि बद्री इन शिवालिक हिल्स यमुना नगर, यहाँ से निकलती है ये, ठीक है जी, यहाँ से निकलती है, याद रहे, ठीक है। तो इनके बारे में पूरी पीडीएफ चाहिए इसकी, अच्छे से आपको ये सभी नदियों के बारे में लंबाई वगैरह लिखी हुई है, ये रही पूरी पीडीएफ। इसकी पूरी पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेना। जो भी भाई नया है, जो भी न्यू है, तो वही डाटा कैसा लगा, डाटा को देखकर सब्सक्राइब कर लेना, बाकी चाहे आपकी मर्जी है, चाहे अनलाइक करके चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, राम राम, नमस्ते। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देना। धन्यवाद, गुड बाय।